कायदे बख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जायदाद मुंजमद करने का मामला, नैब लाहौर का DGLDA, महकमा एक्साइज, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, दीगर इदारों को खत। डिफेंस फेज 5 ब्लॉक ए में प्लॉट नंबर 8x7 और 8x8 की फरोख पर आरजी पाबंदी आयद कर दी। ये प्लॉट साबिक वजीर ने अहलिया तहमीना दुरानी को गिफ्ट कर रखे हैं। मॉडल टाउन एच ब्लॉक में नुसरत शहबाज को गिफ्ट किए गए प्लॉट नंबर 8x7 और 9x6 की फरोख पर पाबंदी। हमजा शहबाज को तोहफे में दिए गए जोहर टाउन कोऑपरेटिव के ब्लॉक में 9 प्लॉट की फरोख पर भी पाबंदी आए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आटे की कीमत ना बढ़ाने का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफद की वजीर आला उस्मान गुजार से मुलाकात, कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। उधर सूबाई वजीर खुराक समीला चौधरी कहते हैं मौजूदा हालात में फ्लोर मिल्स मालिकान ने हुकूमत का साथ दिया, आटा मैदा और चोकर पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगा रहे। लाहौर एयरपोर्ट की फजाओं में परिंदों के झुंड मामूल, फजाई ऑपरेशन खचात में घिरने लगा। सुबह सवेरे भी परिंदों की यलगार के सबब बैरून मुल्क से परवाजों की आमद मुतासिर। किसी भी नाखुशगवार सूरतेहाल से बचने के लिए मदीना से आने वाली परवाज को मुल्तान, जद्दा की परवाज फैसलाबाद, मिलान से आने वाला तैयारा सियालकोट एयरपोर्ट पर उतारा गया, जबकि दुबई की लाहौर के लिए परवाज कराची लैंड कर गई। एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर लाहौर ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती कामों के लिए 2 अरब 91 करोड़ से जायद, गुज़िश्ता स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 16 करोड़ मुख्तस। बजट में गैर तरक्याती अखराजात की मद में 8 अरब 44 करोड़ रुपए रखे गए। कॉटेज इंडस्ट्री की बहाली, छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों के फरोख का मनसूबा, आइंदा 5 सालों में 6 अरब से 3000 SMEs डेवलप की जाएंगे। नए कारोबार शुरू करने वालों को माली और टेक्निकल मुआवनत भी फराहम की जाएगी। शादी के लिए लड़की की उम्र बढ़ाने की समरी पर एतराजात दूर, महकमा बल्दियात ने समरी एक बार फिर महकमा कानून को इरसाल कर दी। लड़की की शादी की हद 16 साल से बढ़ाकर 18 साल करने की तजवीज पेश। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में 25% कमी और महंगे डॉलर का तड़का, महकमा सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार, दवाओं की खरीदारी से लेकर इंतजामी उमूर तक सब मुतासिर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में ईमानदारों को अच्छी पोस्ट मिलेगी, करप्ट अफसरान और मुलाजमीन के लिए कोई जगह नहीं। नए DG मुदस्सिर रियाज मलिक ने महकमे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इंडिया दे दिया। बोले गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों को सिस्टम तक रसाई देंगे, गाड़ी खरीदार घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। DG एक्साइज मुदस्सिर रियाज मलिक की City 42 से खुसूसी गुफ्तगु। बड़े टीचिंग अस्पताल MS के बगैर लेडी विलिंगटन जिना सर्विसेज और जनरल अस्पताल में अहम असामियों पर आरजी तकरियों से काम चलाने पर निजाम एडहॉकिज्म की नजर, इंतजामियों दूर से लेकर मरीजों के इलाज मुआवजे तक सिस्टम में मुश्किलात का सामना। खाली स्टोरों पर नई कीमतें, ताहा स्टोर्स बहाली में नाकाम, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन समेत दीगर अशिया 15% तक महंगी हो गए। चौकियां खत्म करके पेट्रोलिंग डॉल्फिन और पीरू फोर्स के सपोर्ट करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। CCPO ने थानों में नफरी पूरी करने के लिए एहलकारों को नाकों से हटाने के प्रोग्राम पर ताहाल अमल नहीं किया। भरपूर पेट्रोलिंग प्लान ना होने से मददगार फोर्सेस गैर फाल होने लगी। रेलवे हादसात से मुतासरा ट्रेन शेड्यूल ताहाल बहाल ना हो सका, कराची और कोयटा से आने वाली गाड़ियां 9 घंटे तक लेट। लाहौर स्टेशन से कराकरम एक्सप्रेस की रवानगी में 2.5 घंटे की ताखीर। कल की मूसलाधार बारिश के असरात बरकरार, कोट लखपत स्टेशन का रेल ट्रैक ताहाल जेरेआब, नेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ भी तालाब बन गया। आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना, ऑल्टन रोड समेत मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर भी पानी बदस्तूर मौजूद, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार।
क्रीम पार्क का माँ बच्चा सेंटर इंतजामिया की तवज्जो का मरकज। सेंटर में सहूलियात का फुकदान, मुस्तकिल डॉक्टर है ना एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सहूलत, इलाज के लिए आने वाले मरीजों की मायूस वापसी मामूल बन गई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ वेपका मुलाजमीन का एहतजाज, महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा, अलाउंसेस बढ़ाने का मुतालबा, मुतालबा तस्लीम ना करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सरकारी इंजीनियर्स का सरकार से टेक्निकल अलाउंस 1.5% करने का मुतालबा, मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली का प्रोग्राम। विफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम इदारों, कंपनियों, महकमों के इंजीनियर्स वाबडा हाउस पहुँच गए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के अफसरान का भी एहतसाब शुरू हो गया। विफाकी हुकूमत ने अफसरान से गैर मुल्की दौरों की तफसीलात तलब कर ली, स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सरशिप देने वाली कंपनी की तफसीलात भी तलब कर ली गई। तब्दीली सरकार का सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन भी हुकूमती रिडार पर आ गए। सरकारी मुलाजमीन को भी टैक्स रिटर्न्स जमा कराना होंगे। बाटापुर पुलिस को 3 रोज बाद भी 7 साल बच्चे से ज्यादती और कत्ल के मुलजिम की तलाश। तहकीकात के दौरान हिरासत में लिए 7 मुश्तबा अफराद के DNA नमूने फॉरेंसिक लैब भेज दिए। मुश्तबा अफराद को झूठ पकड़े वाली पॉलीग्राफिक टेस्ट मशीन से गुजारा गया। CTD की बड़ी कार्रवाई, जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद गिरफ्तार। हाफिज सईद को गुजरांवाला कोर्ट जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। जुडिशियल रिमांड पर कैम जेल लाहौर मुंतकिल। सरबराह जमात उद दावा पर दहशत गर्दों की माली इमदाद समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। हाई कोर्ट में जेलों और तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के केस की समाअत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल सरदार अहमद जमाल पेश। अदालत का मंशियात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करके अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। महकमा जेल के सीनियर हुक्काम की DG नैब लाहौर और नैब टीम ऑफिस में ब्रीफिंग। जेल हुकाम ने मसाइल सहूलियात के फुकदान की शिकायत के अंबार लगा दिए। DG नैब की महकमा जेल को दरपेश मसाइल हुकाम ने बाला तक पहुंचाने की यकीन दहानी। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की कल 1 रोजा दौरे पर लाहौर आमद का प्रोग्राम। वजीर आजम पंजाब काबीना के खसूसी इजलास की सदारत और उजरा कारकर्दगी का जायजा लेंगे। इजलास में उजरा अपने अपने महकमों की रिपोर्ट पेश करेंगे। बाटापुर पुलिस को 3 रोज बाद भी 7 साल बच्चे से ज्यादती और कत्ल के मुलजिम की तलाश। तहकीकात के दौरान हिरासत में लिए 7 मुश्तबा अफराद के DNA नमूने फॉरेंसिक लैब भेज दिए। मुश्तबा अफराद को झूठ पकड़े वाली पॉलीग्राफिक टेस्ट मशीन से गुजारा गया। CTD की बड़ी कार्रवाई, जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद गिरफ्तार। हाफिज सईद को गुजरांवाला कोर्ट जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। जुडिशियल रिमांड पर कैम जेल लाहौर मुंतकिल। सरबराह जमात उद्दावा पर दहशत गर्दों की माली इमदाद समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। हाई कोर्ट में जेलों और तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के केस की समाअत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल सरदार अहमद जमाल पेश। अदालत का मंशियात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करके अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। महकमा जेल के सीनियर हुक्काम की DG नैब लाहौर और नैब टीम ऑफिस में ब्रीफिंग। जेल हुक्काम ने मसाइल सहूलियात के फुकदान की शिकायत के अंबार लगा दिए। DG नैब की महकमा जेल को दरपेश मसाइल हुक्काम ने बाला तक पहुंचाने की यकीन दहानी। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की कल 1 रोजा दौरे पर लाहौर आमद का प्रोग्राम। वजीर आजम पंजाब काबीना के खसूसी इजलास की सदारत और उजरा कारकर्दगी का जायजा लेंगे। इजलास में उजरा अपने अपने महकमों की रिपोर्ट पेश करेंगे। बाटापुर पुलिस को 3 रोज बाद भी 7 साल बच्चे से ज्यादती और कत्ल के मुलजिम की तलाश। तहकीकात के दौरान हिरासत में लिए 7 मुश्तबा अफराद के DNA नमूने फॉरेंसिक लैब भेज दिए। मुश्तबा अफराद को झूठ पकड़े वाली पॉलीग्राफिक टेस्ट मशीन से गुजारा गया।
CTD की बड़ी कार्रवाई, जमातो दावा के सरबराह हाफिज सईद गिरफ्तार। हाफिज सईद को गुजरांवाला कोर्ट जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। जुडिशियल रिमांड पर कैम जेल लाहौर मुंतकिल। सरबराह जमातो दावा पर दहशतगर्दों की माली इमदाद समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। हाई कोर्ट में जेलों और तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के केस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल सरदार अहमद जमाल पेश। अदालत का मंशियात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करके अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। महकमा जेल के सीनियर हुक्काम की डीजी नैब लाहौर और नैब टीम ऑफिस में ब्रीफिंग। जेल हुक्काम ने मसाइल सहूलियात के फुकदान की शिकायत के अंबार लगा दिए। डीजी नैब की महकमा जेल को दरपेश मसाइल हुक्काम बाला तक पहुंचाने की यकीन दहानी। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की कल एक रोजा दौरे पर लाहौर आमद का प्रोग्राम। वजीर आजम पंजाब काबीना के खसूसी इजलास की सदारत और वज़रा कारकर्दगी का जायजा लेंगे। इजलास में वज़रा अपने अपने महकमों की रिपोर्ट पेश करेंगे।